हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हमारी ये कोशिश है कि आपको होने वाली आपकी समस्याओं का सूक्ष्म उपाय बताएं और उन घरेलू उपायों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे कंस्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कब्ज हमारे शरीर में होने वाली वैसी समस्या है जिससे शरीर की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। मुख्यतः भोजन का शरीर में सही ढंग से पाचन नहीं हो पाना ही कब्ज है, और भोजन के नहीं पचने से अनेक रोग होते हैं। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि इस कब्ज की समस्या को कंट्रोल रखें, कब्ज समस्या हमारे शरीर में नहीं होने पाए। एक साधारण से खान पान में बदलाव करके इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव ये करें कि जो कुछ भी खाएं, चोकर युक्त पदार्थ खाएं, रेशेदार पदार्थ खाएं। अपने रोटी को खाएं तो कोशिश करें कि चोकर युक्त रोटी हो, तो वो आपके लिए बहुत स्वास्थ्यकर होगी। और हरी पत्तेदार सब्जियां तो नियमित आप अपने आहार में शामिल करें ही करें, और हरी पत्तेदार सब्जियों को आप नियमतः अपने भोजन के साथ टुकड़ों में सलाद के रूप में खाने की आदत डालें। यह भी आपको बहुत मददगार होगा इस समस्या को, कब्ज की समस्या को कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों, अंकुरित चीज़ों का नियमित सेवन किया करें। अंकुरित चना रात को सोने के पहले अच्छी तरह से धोकर उसे पानी में फुला दें, सुबह उठें उन पानी को पी लें और उस अंकुरित चने को गुड़ के साथ खाली पेट सुबह नित्यक्रिया से निपटने के बाद खाने की आदत डालें। यह आपकी कब्ज की समस्या को बहुत तेजी से आश्चर्यजनक रूप से सुधार करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आप नियमतः फल भी अपने इच्छा के अनुसार खाने की आदत डालें। खाने के बाद कोई भी फल नियमपूर्वक आप कोई भी एक फल नियमतः खाएं, और नींबू पानी भी आप नियमतः पी सकते हैं। रात को सोने के पहले नींबू पानी हल्के गुनगुने पानी में पीने की आदत डालें। इससे सुबह सुबह आपका पेट साफ रहेगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दोस्तों, नारियल पानी मुख्यतः गर्मी के दिनों में ज़्यादातर मिलता है और आजकल सभी जगह कभी कभी मिल भी जाती है, तो इसे भी अपने आहार में शामिल करें और यह भी आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेगा। और हरी सब्जियां जिस तरह से अपने आहार में शामिल करें, करेले को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। करेले को कच्चा खा सकते हैं, उसे जूस के रूप में अपने टेस्ट के अनुसार जितना आप ले सकें उसे लेने की आदत डालें। यह भी कब्ज को कंट्रोल करने में बहुत आपको मदद करेगा। अंकुरित गेहूं और या फिर गेहूं के जब अंकुरित होता है उसे जूस के रूप में पीने की आदत डालें। यह आश्चर्यजनक रूप से आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेगा। अपने टेस्ट के अनुसार अगर वह टेस्ट आपको पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा नींबू के कुछ रस, काला नमक डालकर उसे पीने की आदत डालें। कहने का मतलब कि दोस्तों, गेहूं के रस को जूस के रूप में आप पिए और यह भी आपके कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करेगा। पालक के जूस को कच्चा पालक के जूस को पीने की आदत डालें। पत्ते को साफ करके जूसर से उसका रस को निकाल कर पिए और यह भी आपके कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करेगा। त्रिफला के चूर्ण को भी आप गर्म पानी में घोलकर पी सकते हैं, यह भी कब्ज की समस्या को कंट्रोल करने में बहुत आपको मदद करेगा। गर्म पानी सुबह उठकर खाली पेट 2 गिलास गर्म पानी पीने की आदत डालें। यह एक रामबाण है। खाली पेट गर्म पानी पीने से आपके शरीर के सारे विषैले तत्व बाहर निकल आते हैं और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यह भी आपको इस समस्या को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। सुबह ताजी हवा में टहलने का आदत डालें, इससे भी शरीर की एक्टिविटी बनी रहेगी और आपके इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह के मसालेदार तले हुए मैदा युक्त चीज़ों से दूरी रखें। ये आप इससे आप अपनी समस्या पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इन समस्याओं से बचने के लिए इन चीज़ों से परहेज करें। पुदीने की चटनी को भी आप अपने आहार में शामिल करें और रात को सोने के पहले तांबे के बर्तन में 2 गिलास पानी अपने इच्छा के अनुसार रख दें और सुबह उठने के बाद
उसे पीने की आदत डालें। यह पूर्व काल से ही हमारे बुजुर्ग लोग इसे करते चले आ रहे हैं और ये अपनाई हुई विधि है, आयुर्वेदिक विधि है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आपके शरीर को कब्ज से समस्या से निजात दिलाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, जितनी भी विधि आपको बताई जा रही है, इन सभी विधियों को आप अपनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3-4 विधि जो कुछ भी आपको सूट करे उसे नियमतः अपनाएं, जरूर अपनाएं, और आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव महसूस करेंगे। कैसे आपने इस कंस्टिपेशन को समस्या पर काबू कर लिया और इसके कारण होने वाले अनेक रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने इस संबंध में अपने रिएक्शन दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।